हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं टेक व्लॉग मंत्रा मेरे साथ। माउस का इस्तेमाल तो हम लोग अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर करते ही हैं, चाहे वो वायर्ड हो या फिर वायरलेस हो। क्या आप अपने फोन के अंदर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, यही चीज मैं आपको सिखाऊंगा। और कैसे कर सकते हैं इसका इस्तेमाल, अपने वायरलेस कीबोर्ड और वायरलेस माउस का इस्तेमाल कैसे आप लैपटॉप के अलावा फोन या टैबलेट के अंदर भी कर सकते हैं, यही चीज इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा आपको। इस वीडियो को कंटिन्यू करके आगे देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन के लिए जरूर दबाइएगा और कंटिन्यू करके वीडियो को आगे देखिएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपने फ़ोन के अंदर इस माउस को यूज़ करना है और कैसे कैसे आप किस किस स्टेप के थ्रू आप इस चीज़ को कर पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा आपको, मेरे पास है एमकैट ब्रांड का एक वायरलेस माउस है, इसी का मेरे पास एक वायरलेस कीबोर्ड भी है, दोनों का सेटअप मैंने एक ही साथ खरीदा था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके पास एक तो ये हो सकता है OTG का जो केबल आती है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 20-30 रुपए की ये आती है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आपके पास OTG अडप्टर हो, ये भी 5-10 रुपए 20 रुपए का मिल जाता है। इसके अलावा जिसका फ़ोन जो है वो टाइप सी सपोर्ट करता है वो इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये टाइप सी का अडप्टर है, ये USB माइक्रो USB अडप्टर्स हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में मेरे पास है ये जो वायरलेस कीबोर्ड और माउस के साथ जो ब्लूटूथ का ये अडप्टर आता है, जिसको आप अपने लैपटॉप या PC के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इस चीज़ को आपको फ़ोन के अंदर कनेक्ट करना पड़ेगा। आपको OTG अडप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए, या फिर आप अपने USB OTG केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ, OTG अडप्टर का। इसको मैं यहाँ पे अपने इसके अंदर लगा देता हूँ, जो कि नॉर्मली आप जहाँ पे चार्जर का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे आपको इसको लगाना है। ये मैंने इसको लगा दिया। ये मेरे पास जो फ़ोन है ये है ओप्पो का F3 Plus। इसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे ही आप स्क्रीन पे, मैं जैसे अपना लॉक हटाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे फ़ोन्स के अंदर क्या होता है कि सेटिंग होती है OTG कनेक्शन को ऑन करने के लिए। तो इसके लिए आपको सेटिंग के अंदर जाना पड़ेगा, अपने फ़ोन सेटिंग के अंदर आपको जाना पड़ेगा। जैसे मैं अपने फ़ोन सेटिंग में यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ से जाने के बाद आपको अपने फ़ोन के एडिशनल सेटिंग्स में, मेरे फ़ोन के अंदर ओप्पो के फ़ोन के अंदर तो एडिशनल सेटिंग्स में आपको OTG कनेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारे फ़ोन के अंदर उसको डेवलपर मोड के अंदर जाके इनेबल करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे फ़ोन्स के अंदर इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होती, वो बाई डिफ़ॉल्ट ही काम करने लग जाती हैं। तो मेरे फ़ोन के अंदर एडिशनल सेटिंग के अंदर इस चीज़ को मैं जाके ऑन करूँगा। यहाँ पर ये OTG कनेक्शन का ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, इसको मैं जैसे ही ऑन करता हूँ तो मेरे फ़ोन के अंदर ये जो OTG अडप्टर मैंने लगाया है ये इनेबल हो जाएगा। इसके बाद इसके अंदर मैं लगाऊंगा जो ब्लूटूथ का जो ये अडप्टर है एमकैट का, जो वायरलेस कीबोर्ड माउस के साथ आता है, इसको मैं इसके अंदर लगाऊंगा। और इसको इसके अंदर लगाने के बाद ये ऑटोमेटिकली मेरे माउस और कीबोर्ड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसका लॉक ऑफ हो गया है तो मैं एक बार ऑन कर लेता हूँ। तो ये देखिए, अब इस माउस के अंदर जो है वो सेल डलते हैं, जो कि नॉर्मली सेल आते हैं जो आपके रिमोट्स के अंदर डलते हैं, वो यहाँ पे डलता है। तो उसके बाद मैं इसको ऑन करता हूँ, ये इसमें लाइट भी आ गई है। अब आप देखिएगा कि इसके अंदर आप फ़ोन के अंदर आप देख पाएंगे कि ये माउस का जो आइकन है वो आ गया है। ये देखिए जो आप देख पा रहे हैं, ये एरो है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं किसी भी चीज़ को यहाँ पर ओपन कर सकता हूँ, जैसे मैं इसको एक बार मान लीजिए मैं आपको कोई भी ऐप ऑन करके दिखाता हूँ। जैसे मैं प्ले स्टोर पर क्लिक करता हूँ, नॉर्मली जिस चीज़ से आप क्लिक करते हैं उसी से आपको क्लिक करना है, कोई अलग से कुछ ये नहीं है कि कोई इसकी सेटिंग्स चेंज हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, किसी भी ऐप के ऊपर मैंने क्लिक किया, और ये देखिए PUBG का मोबाइल लाइट ऐप पर मैंने क्लिक किया। अगर मैं इसको इंस्टॉल करना शुरू करूँ तो मैं इसको राइट क्लिक, जैसे ये इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक पर मैं क्लिक करूँगा, इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये पूरा का पूरा वर्किंग कर रहा है। अगर आपको पीछे जाना है तो आप इस पर बैक करके इसे पीछे जा सकते हैं। आपको ऑप्शन खोलना है तो आप क्लिक करके ऑप्शन खोल सकते हैं। ये जो सेंटर का स्क्रॉल दिया गया है इससे आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं, इससे ये स्क्रॉल भी हो जाएगा। ये देखिए, तो बड़ा ही आसान तरीका है इसको यूज़ करने का। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको एक OTG का ये अडप्टर चाहिएगा, या इसकी बजाय आपको ये केबल मिले तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो टाइप सी वाले हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये टाइप सी का जो पोर्ट है वो उनके लिए है। इसके अंदर आप सेम इस चीज़ को लगाएंगे, जो ये ब्लूटूथ का अडप्टर है जो वायरलेस कीबोर्ड माउस के साथ आता है, आप इसको इसके अंदर अटैच करेंगे और अपने फ़ोन के अंदर लगा देंगे। सेटिंग्स आपको ऑन कर देनी है। वायरलेस माउस का तो आपने ये देख लिया कि इसके अंदर ये कनेक्ट हो चुका है। रही बात कीबोर्ड की, जो ये कीबोर्ड है, मैं इसको हटा देता हूँ, कीबोर्ड भी
कीबोर्ड के अंदर भी इसके अंदर सेल डलते हैं, बहुत सारे लोगों के पास होगा भी ये, वो उन्हें पता ही होगा इसके अंदर सेल डलते हैं। तो इसको आप इस्तेमाल करने के लिए सेम टू सेम ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट है इस चीज़ के साथ, आपका वायरलेस माउस और कीबोर्ड एक साथ ही कनेक्ट हो जाते हैं। अगर मैं इसके अंदर जाऊँ और मैं कहीं पर कुछ टाइप करूँ, जैसे मैं ये मैंने खोल लिया है, अगर मैं इसके अंदर कुछ टाइप करना चाहूँ तो शायद यहाँ पे नहीं होगा, मे बी शायद कोई डॉक्यूमेंट वगैरह ओपन करने पे ही शायद काम करे। मैं एक बार इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ लिखने के लिए नई चीज़ ले लेता हूँ, ये मेरे पास एक नया पेज आ गया। ये देखिए, मैं अगर यहाँ पे टाइप करना चाह रहा हूँ कुछ भी तो मैं इस चीज़ को टाइप कर पाऊँगा। ये देखिए, मैं इस पर कीबोर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ, अगर मैं इसका कैप्स लॉक ऑन करके बड़े में टाइप करूँगा तो बड़े में टाइप हो जाएगा। मतलब मोस्ट ऑफ द जो की है इसकी काम करेंगी, जब आप नॉर्मली टाइप करना चाहते हैं तो वो चीज़ पॉसिबल है और आप आराम से कर पाएंगे। चाहे आप इसके अंदर टाइप करिए या फिर व्हाट्सएप पे, मेरे पास ये मैं एक बार मैसेंजर में भी आपको टाइप करके दिखा दूँगा अगर किसी को मैं कर पाया तो। यहाँ पे हाँ, ये देखिए टाइप हो रहा है, ये चीज़ मैं टाइप कर रहा हूँ तो ये पासवर्ड मेरा जो मैंने पिन लगाया हुआ है उसमें टाइप हो रहा है। आप इजीली मतलब इसका इस्तेमाल व्हाट्सएप पे भी कर पाएंगे, कहीं पे भी किसी भी जगह पे अगर आपको किसी भी ऐप के अंदर कीबोर्ड का इस्तेमाल करना है तो वो भी आप इस चीज़ के थ्रू कर पाएंगे। बस आपके पास ये OTG अडेप्टर होना चाहिए या फिर इसके अलावा ये केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये दो तीन चीज़ों के थ्रू आप आराम से अपने फ़ोन के अंदर माउस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और कीबोर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये जो जानकारी मैंने आपको दी है ये शायद हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को पता भी हो, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है, मेरे पास कुछ क्वेरी आई थी इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर दबाइएगा और बने रहिए टेक व्लॉग मंत्रा के साथ। जय हिंद, जय भारत।